हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं वो करेंगे। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कन्वर्जन्स हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं चार्ज के यूनिट्स लेके ही, तो जैसे मिली कूलम की बात करेंगे तो मिली स्मॉल एम 10^-3, माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल 10^-6, नैनो स्मॉल एन 10^-9, पिको स्मॉल पी 10^-12। ये स्मॉलर यूनिट्स हैं जिनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अगर हम बिगर यूनिट्स की तरफ चलें तो किलो कैपिटल के 10^3, मेगा कैपिटल एम 10^6, गीगा कैपिटल जी 10^9। अगर ये बेसिक कन्वर्जन यूनिट्स हमें आती हैं तो हम इजिली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। इन ऐसा यूनिट्स हमें पता है 1 N 10^5 टाइम्स के बराबर होता है। तो अगर हम पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ के पर बेस्ड, जो कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 2 mC एंड 4 mC व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 cm इन एयर। गिवन है चार्जेस एयर में है। ऑल्सो फाइंड न्यू फोर्स व्हेन बोथ चार्जेस आर डिप्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 20। हमें यहाँ पे एक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर निकालना है, उसके बाद इन चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर रखते हुए एक मीडियम में डिप कर दिया गया जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है। तो उस मीडियम में कितना फोर्स होगा, जैसे कि साफ साफ दिख रहा है हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला एयर के लिए हम ये यूज करते हैं जिसकी वैल्यू 9 × 10^9 Q1 Q2 R² होता है। ये मैग्नीट्यूड्स है। हमें Q1 गिवन है 2 mC, दैट इज 2 × 10^-3 कूलम। Q2 है 4 mC, दैट इज 4 × 10^-3 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 10 cm, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, एंड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अदर मीडियम इज गिवन टू बी दिस। तो फोर्स का ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमने निकाला, दैट इज 9 × 10^9 × 2 × 10^-3 × 4 × 10^-3 अपॉन R² राइट। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो फोर्स आया इन SI सिस्टम, दैट इज 72 × 10^5 न्यूटन। अब ये फोर्स है एयर में। अगर हम मीडियम में निकालना चाहते हैं तो जैसे कल हमने फॉर्मूला किया था, मीडियम के लिए एयर बाय डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता तो 72 × 10^5 डिवाइडेड बाय 20 इज 36 × 10^4 न्यूटन। ये एक 2 marks का न्यूमेरिकल है फॉर बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा और बेहतर है और मोर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी बन जाता है और हॉट्स में आता है। अ चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस और सेपरेशन द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, मतलब एक क्यू को हमने 200 में तोड़ना है, चार्जेस डिफरेंट रखने हैं और इस तरह रखने हैं कि ताकि उनमें फोर्स मैक्सिमम हो। तो हमने कैपिटल क्यू को डिवाइड किया, एक हिस्सा ले लिया एक्स और दूसरा हो गया क्यू माइनस एक्स, और इनको आर डिस्टेंस पे रखा। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहले निकालते हैं इनके बीच में फोर्स कितना है। एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 R² के हिसाब से ये Q1 ये Q2, तो फॉर्मूला ये बन गया। अब एज पर क्वेश्चन हमें बोला गया फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स जो है कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो एफ है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बनता है एफ इक्वल्स टू के क्यू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम देख चुके हैं फोर्स एक फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हमें एक कंडीशन याद रखनी चाहिए, और हमें पता भी है ये कंडीशन कि फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल मस्ट बी जीरो। तो हमने इस फोर्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, दैट इज एफ डी एफ बाई डी एक्स। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी विच इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ऑन सॉल्विंग वी फाइंड एक्स इक्वल टू क्यू बाय 2, मतलब ये जो चार्ज कैपिटल क्यू था इसके तो हमने दो हिस्से किए जो क्यू बाय 2 और क्यू बाय 2 ही थे, तभी इनके बीच में फोर्स क्या होगा मैक्सिमम माना जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में रखना है। अगर ये कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट एट माई व्हाट्सएप नंबर। अगला न्यूमेरिकल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट भी दूंगा, बोर्ड का सवाल भी है और जेई के लिए भी है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट भी प्रोवाइड करूंगा। दोनों सवाल हैं, यहाँ पे दो सवाल डिस्कस करूंगा और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक जैसे दिखते हैं पर दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो ध्यान से करने का। यहाँ पे है 2 point charges +E and +4E are placed small r distance apart।
वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू शुड बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम. हमने हमें गिवन है कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में है, हम उसको कहां रखें कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए. मतलब जो तीसरा चार्ज हमने रखा है, ये दो चार्जेस पहले थे, ये जो तीसरा चार्ज रखा है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए एज पर स्टेटमेंट. तो हमने एक डायग्राम बनाया, एक चार्ज लिया प्लस ई, एक चार्ज लिया प्लस फोर ई, ये उनका लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर टू सेंटर. तो यहां पे हमने, अब ध्यान रखिएगा, अगर दोनों चार्जेस का पोलैरिटी सेम है तो जो तीसरा है उसको हमेशा उन दोनों के बीच में रखा जाता है, ठीक है. अब क्यों अंदर रखा गया है, तो हमने स्मॉलर चार्ज से जो डिस्टेंस रखा वो एक्स ले लिया, दूसरे से बच गया आर माइनस एक्स. आप देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया, इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल किया. दोनों फोर्सेस अगर बराबर होंगी तो ही ये इक्विलिब्रियम में आएगा. मतलब इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो. हमने इसके कारण फोर्स निकाला एफ वन के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस एक्स है ऑन क्यू. दूसरे के कारण निकाला एफ टू फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. अब अगर क्यू इक्विलिब्रियम में है, अगर क्यू इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स ऑन क्यू मस्ट बी जीरो. मतलब ये दोनों फोर्सेस जो ऑपोजिट लग रही हैं इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए. तो हमने इनके मैग्नीट्यूड बराबर किए, जैसे ही इनके मैग्नीट्यूड बराबर किए तो कुछ टर्म्स सी जो कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म बच गई. हमने स्क्वायर रूट लिया तो आर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, यहां से एक्स का वैल्यू आ गया आर बाय थ्री. मतलब हम क्यू को अगर इक्विलिब्रियम लेके आना है, क्यू को एट अ डिस्टेंस आर बाय थ्री फ्रॉम स्मॉलर चार्ज रखेंगे तो चलेगा. इसका दूसरा आंसर भी आ सकता था, दूसरे चार्ज से अगर निकालते तो दैट विल बी टू आर बाय थ्री. अब इसी को सॉल्व करने के लिए ये बोर्ड का तरीका था. अब एक शॉर्टकट दे रहा हूं जो जेईई मेन में डायरेक्टली एमसीक्यूज में हम यूज कर सकते हैं और एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा. अगर हमने एक्स डिस्टेंस लिया क्यू का फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, जैसे ये इस डायग्राम में क्लियर है, हमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो यहां पे एक्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है स्क्वायर रूट क्यू वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट क्यू टू प्लस स्क्वायर रूट क्यू वन इनटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. यहां पे प्रोवाइडेड है क्यू वन छोटा चार्ज ही होना चाहिए. तो आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड लिया वन, इसका मैग्नीट्यूड फोर था, इसका मैग्नीट्यूड अगेन वन. आप देखिए तो यू गेट द डायरेक्ट आंसर आर बाय थ्री. ये तभी फॉर्मूला लगेगा अगर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है और वो अंदर है, क्लियर. इसी के जैसा दूसरा सवाल आता है पर उसका स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आता है. क्या चेंज है, टू पॉइंट चार्जेस एक प्लस ई और एक माइनस नाइन ई. आप देखिए यहां पे था प्लस फोर ई प्लस ई, दोनों के पोलैरिटी क्या था सेम, यहां पे पोलैरिटी क्या हो गया डिफरेंट. ऑपोजिट पोलैरिटी है, सेम डिस्टेंस आर पे रखा, क्यू चार्ज को रखना है सो दैट क्यू मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम. सारा स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ एक वर्ड से चेंज हो गया. अगर दो चार्जेस का पोलैरिटी ऑपोजिट है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो जो क्यू चार्ज है वो हमेशा बाहर ही आएगा. तो हमने जैसे फार्मूला पिछले वाले में किया कि हमने स्मॉलर चार्ज के पास रखा था, तो हमने भी यहाँ पे भी बाहर रखा बट स्मॉलर चार्ज के पास रखा एट अ डिस्टेंस एक्स. ये पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल किया, ये नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया विथ फोर्स एफ वन एंड एफ टू. दोनों के मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिए के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. जैसे हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन यहाँ नहीं आता है, क्लियर. जैसे कि हमें ऊपर स्टेटमेंट गिवन है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो Q मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम. अगर टोटल चार्ज टोटल फोर्स Q पे जीरो होना चाहिए तो दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए. जैसे हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट में बराबर किया, सिमिलर वे में हमने बराबर करके स्क्वायर रूट लेके जो x का वैल्यू निकाला वो आया r बाय टू. मतलब ये जो कैपिटल चार्ज Q था दैट शुड बी प्लेस एट अ डिस्टेंस r बाय टू फ्रॉम स्मॉलर चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट. इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जेई के लिए एक शॉर्टकट है. सेम फार्मूला, एक्स अगर स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस रखा कैपिटल क्यू का, एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्यू वन अपॉन स्क्वायर रूट क्यू टू माइनस स्क्वायर रूट क्यू वन इनटू आर, दैट इज द टोटल डिस्टेंस. यहां पे भी क्यू वन एक स्मॉलर चार्ज का मैग्नीट्यूड है. ये फार्मूला तब लगेगा जब ऑपोजिट पोलैरिटी है, ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब सेम पोलैरिटी है. इस केस में कैपिटल क्यू चार्ज अंदर होता है, इस केस में कैपिटल क्यू चार्ज बाहर होता है. तो आप डायरेक्ट फार्मूला फिल करिए, मैग्नीट्यूड फिल किए, वन स्क्वायर रूट नाइन थ्री वन अपॉन थ्री माइनस वन इज टू, दैट इज आर बाय टू डायरेक्ट आंसर. तो इन एनी केस यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू स्टार्ट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर बुक एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन हैव माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी योर प्रॉब्लम, आई कैन गिव यू द सॉल्यूशंस. काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. ऑल द बेस्ट.